भारतीय टीम को अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर राउंड 8 में 5 दिन के अंदर 3 मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में टीम का काफी व्यस्त स्केड्यूल रहने वाला है। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि सुपर 8 स्टेज काफी व्यस्त रहने वाला है, लेकिन हमारे खिलाड़ी उसके लिए काफी हद तक तैयार है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम का सुपर 8 में पहला मुकाबला 20 जून को खेलेगी और यह मैच अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलने जा रही है। इसके बाद भारतीय टीम का बांग्लादेश के साथ मैच है और आखिरी मैच बताया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एक वीडियो शेयर किया जिनमें कप्तान रोहित कह रहे हैं कि पहला मैच खेलने के बाद अगले 2-3 दिन या 4 दिन के अंतराल में अगला मैच खेलेंगे। ये थोड़ा व्यस्त होने वाला है क्योंकि हम सभी चीज़ों के आदि हो चुके हैं और हम लोग काफ़ी यात्रा करते हैं और बहुत सारा खेल खेलते हैं, इसलिए कभी भी ये चीज़ें हमारे लिए बहाना नहीं बनने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार को लंबे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया जिसमें विराट कोहली और रोहित जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों ने सामान्य से नेट पर अपना अधिक समय बिताया और जमकर प्रैक्टिस भी की। रोहित ने इस दौरान कहा कि टीम में कुछ खास करने की उत्सुकता है, ये दूसरे चरण की शुरुआत है और एक अच्छा तरीका है। साथ ही स्पष्ट रूप से ये प्रैक्टिस दर्शाती है कि हर कोई अपने अंदर अंतर पैदा करना चाहता है। हम अपने कौशल सत्रों को भी काफी गंभीरता से सुनते हैं और उसी का नतीजा है कि कौशल सत्रों के चलते हम आज कुछ बेहतर कर पाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एक वीडियो शेयर किया जिनमें रोहित कह रहे हैं कि पहला मैच खेलने के बाद अगले 2-3 दिन या 4 दिन के अंतराल में हम अगला मैच खेलेंगे। ये थोड़ा व्यस्त रहने वाला है क्योंकि हम जिन चीजों के आदि हो चुके हैं, हम बहुत सारी यात्रा करते हैं और हम बहुत सारा खेल खेलते हैं, इसलिए ये तमाम चीजें हमारे लिए कभी बहाना नहीं बनने वाला है। भारतीय टीम ने सोमवार को लंबे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया जिनमें विराट कोहली और रोहित जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों ने सामान्य से एक नेट पर अपना अधिक से अधिक समय बिताया और जमकर भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। इस दौरान रोहित ने ये तक कहा कि टीम कुछ खास करने को लेकर उत्सुकता में है, ये दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा तरीका है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हर कोई अपने अंदर अंतर पैदा करना चाहता है और हम अपने कौशल सत्रों को भी काफी गंभीरता से लेते हैं और हर कौशल सत्र में हासिल करने के लिए कुछ अलग सा होता है।